दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जब वास्कट की कटिंग की थी तो उसमें आपके साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह इसकी सिलाई भी मैं खुद ही करूँगा, ताकि जिन भाइयों ने अभी तक काम नहीं सीखा है या सीख रहे हैं या उनको सीखने में परेशानी है, तो इंशाल्लाह मैं इतनी आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ शलवार कमीज़ की सिलाई सीखी है, आपको भी वास्कट की फुल कटिंग, और कटिंग तो मैंने पहले से ही की है मगर इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सिलाई भी साथ में समझ आ जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वही वास्कट है जो मैंने आपके सामने काटी थी। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी और कटिंग में आपको कोई मुश्किल हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं वास्कट का फैशन और वायलेट के लिए यानी जेबों के लिए जो पीस लेते हैं कपड़ा, या इस तरह आप कह रहे हैं वास्कट का खर्चा, मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखें, ये जेबों का निशान था, ये भी जेब का निशान है। आप इसी जगह पे हल्का सा निशान लगा दें जो सिर्फ नज़र आता हो, यहाँ पे भी लगा दें, ये देखें बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ ये ऊपर वाली साइड में यानी यहाँ पे लगाएं, नीचे वाले में नहीं लगाने क्योंकि वहाँ पे जेब नहीं होती, यहाँ पे भी लगा दें। इसे आप सुई के साथ भी कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, मगर ये तो आसानी के लिए मैं ये सारा खर्चे का कपड़ा है तो इसको आप इसी तरह ही रख दें। इससे लेते हैं पहले वास्कट का फैशन। कपड़े को बिल्कुल सीधा कर दें आप। यहाँ से भी काट दें और यहाँ से भी बिल्कुल यहाँ से भी आप सीधा करें, और ये जो मोड़े का निशान होता है अरमोल का, यहाँ पे आप एक निशान लगा दें। हम जो अंदर की साइड में जेब लगाते हैं इससे हम 4 इंच नीचे लगाते हैं, ये जो अरमोल का निशान था इससे 4 इंच नीचे हम ये जेबों के निशान लगाते हैं, तो ये जेब का निशान हो गया। अब इसको आप हटा दें, एक निशान यहाँ पे 3 इंच का लगा दें, एक यहाँ पे लगा दें और यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएं। आपके पास अगर शेफ फोटो यानी कर्व तो उससे भी आप लगा सकते हैं या इसी तरीके आप कर दें। यहाँ पे मामूली सा इसको शेप देना है आपने। यहाँ पे आप टुक लगा दें, इसके सामने बिल्कुल पॉकेट आएंगी। तो ये इसका फैशन हो गया। ये इसके जेबों के लिए मैं कपड़ा ले रहा हूँ, तो जो नीचे यहाँ पे जो 2 जेब होते हैं बड़े वाले, उनका साइज आप देख लें, यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे लगाया,
तो पौने छः के साथ आप 2 इंच जमा कर लें तो ये 7.25 आता है, और यहाँ से आप 4 इंच ले लें कपड़ा, 7.25 4 इंच, ये नीचे के 2 पॉकेट जो सामने में होते हैं उसके लिए हो गया, और ये जो ऊपर छोटा पॉकेट होता है तो हमने 4 इंच पे निशान लगाया उसके लिए आप ले लें 6 इंच कपड़ा, और वही 4 इंच का। इसे भी आप यहाँ पे रख दें। ये जो कपड़ा है इससे आपने बैन के लिए कपड़ा अलग कर देना है, तो इसका बैन है जितना सहल उससे 2 इंच आप ज़्यादा रख दें कपड़ा, और ये साइड पे रख। अंदर की जो पॉकेट्स होती है उनके लिए जाती आप यहाँ से ले लें, तो अंदर की पॉकेट इसके लिए मैंने 7.25 रखने, तो उसके लिए भी आप 7.25 इंच और 1.5 इंच। तो ये हो गया 1 और 1.5 इंच का आपने एक और पीस ले रहे हैं, ये अंदर के पॉकेट के लिए ये सारा खर्च है। इसके लिए आप बुकरम भी काट दें, बुकरम आपकी मर्जी जो आपने लगाने, मगर हम ये वाला बुकरम लगा रहे हैं। इसमें आम जो लेडीज गलों में लगता है वही बुकरम हम लगाते हैं, मगर जो आला क्वालिटी का हो ताकि उसकी प्रेस सही हो। इसके लिए आपकी आसानी के लिए मैं इसके ऊपर रख के काट रहा हूँ, आप इसी तरह भी काट सकते हैं अंदाजे से। इसको आपने बिल्कुल सफाई के साथ प्रेस कर देना। मैं वीडियो को स्पीड से नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अगर स्पीड से चलाया जाए तो फिर समझने में मुश्किल होती है। इसके ऊपर बिल्कुल ये बाकी जो पॉकेट्स थी उन पे भी आप बुकरम लगा दें। मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि ये मेरी वीडियो उन मेरे भाइयों के लिए जिन्होंने सिर्फ शलवार कमीज़ की सिलाई सीखी और उन्हें शौक है वास्कट की सिलाई सीखने का, तो मैं बिल्कुल आसानी के साथ जो होता है जैसे बंदा अपने शागिर्दों को सिखाता है उसी तरह मैं आसानी के साथ समझाऊंगा। इसको बिल्कुल साफ कर दें। ये हमने पॉकेट्स फैशन ये हमने ले लिया इसके लिए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।